महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट 400 प्लस वैकेंसी, जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए। फॉर्म अप्लाई के बाद आप लोग के फिजिकल कंडक्ट करा ली गई थी, समय से आप लोग के फिजिकल यहाँ पे फिनिश हो गए। फिजिकल आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पे हो जाए। फिजिकल के बाद आप लोग का जो नेक्स्ट स्टेप वो है आप लोग का रिटर्न एग्जाम, लेकिन उसके बाद रिटर्न एग्जाम की कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिली। आज नवंबर 2022 का समय चल रहा है और आप लोग के रिटर्न एग्जाम अभी तक यहां पे फिनिश नहीं हुए हैं। विभाग ने कोई भी जानकारी आप लोग को वेबसाइट पे नहीं दी है आप लोग के रिटर्न एग्जाम को लेकर के। जो भी जानकारी आप लोग को मिली मेरे द्वारा ही आप लोग को जानकारी दी गई। आपके एग्जाम हो सकते हैं, पोस्टपोन होने वाले हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिली है। कोविड की वजह से कुछ डिले हुआ, लेकिन उसके बाद भी अभी आप लोग के काफी समय हो गया है और आप लोग के रिटर्न एग्जाम अभी तक यहां पे नहीं लिए गए हैं। बिल्कुल क्लियर मैं आप लोग को एक बार और कर दूं, जिस रिक्रूटमेंट की जानकारी दे रहा हूं ये आप लोग की वैकेंसी है 2019 की। जी हां, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की ये रिक्रूटमेंट है। जो नए कैंडिडेट है वो ऐसा ना सोचे कि आपकी रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। जी हाँ, एक न्यू रिक्रूटमेंट भी आप लोग की यहाँ पे निकाल दी गई है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI स्टैनो की। जी हाँ, पुरानी रिक्रूटमेंट भी आप लोग की चल रही है और न्यू रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे आप लोगों की निकाल दी गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या वो सोच रहा है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है और ना ही किसी प्रकार की जानकारी आप लोग को दी जा रही है वेबसाइट पे क्या होने वाला है 2019 के रिटर्न एग्जाम को लेकर के। तो पूरी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा अपने इस वीडियो में, जो जानकारी मेरे पास है। तो यदि आप लोग रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 हो या फिर आप लोग की 2022 की रिक्रूटमेंट हो, चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है। प्रैक्टिस सेट है, 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग के इसमें दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आप लोग के रिटर्न एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने में। तो ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी है वो सारा का सारा डिपार्टमेंट को ही करना है। डिपार्टमेंट ने पहले ही काफी डिले किया और उसके बाद आप लोग के दोबारा से फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। कुछ सेंटरों पे यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट हुए, दोबारा फिजिकल लिए गए। जी हाँ, पुराना डाटा था वो डाटा आप लोग का इधर उधर हो गया, दोबारा फिजिकल आप लोग के लेने पड़े। फिजिकल लेने के बाद रिटर्न एग्जाम अभी नवंबर में होने थे। जी हाँ, 6 नवंबर से आप लोग के 3 दिन आप लोग के यहाँ पे एग्जाम होने वाले थे, लेकिन उस वो डेट भी आप लोग की फाइनल नहीं हो सकी। जी हाँ, 20 अक्टूबर की डेट यहाँ पे निकल के आ रही थी, उसके आसपास आप लोग के एडमिट कार्ड देखने को मिलने चाहिए थे, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आए। बहुत ज्यादा चिंता का विषय रहा ये, लेकिन उसके बाद यही इन्फॉर्मेशन मिली कि वेबसाइट से इसके लिंक को हटा लिया गया, यानी कि एडमिट कार्ड आप लोग के हटा लिए गए, एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है रिटर्न एग्जाम के लिए। कोई जानकारी नहीं मिल रही है, क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों ऐसा किया, क्या चल रहा है, क्या रिटर्न एग्जाम लेना है नहीं लेना है, क्या 2022 वालों के साथ ही इसके रिटर्न एग्जाम होंगे नहीं होंगे, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इंटरनल क्या चल रहा है, लेकिन आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूं, जानकारी आप लोग को प्रोवाइड करूंगा कि आपके CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का प्रोसेस क्या चल रहा है, क्या रिटर्न एग्जाम आप लोग के 2022 में ही होंगे या इसके बाद होंगे, क्या होने वाले। तो पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोग को, जब आपके रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहे थे 6 नवंबर को, मैंने क्लियर कर दिया आपके एडमिट कार्ड, यानी कि अब आप लोग को एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है, लेकिन नवंबर लास्ट से आप लोग के इसके एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। डेट अभी फिक्स नहीं थी, तो मैं आप लोग को बता दूं नवंबर लास्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक डेट को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही। तो नवंबर में जहां तक मेरे पास जानकारी है आपके रिटर्न एग्जाम नहीं है, और दिसंबर में भी आप लोग मान के चलिए दिसंबर मध्य तक कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग के मिलने के चांसेस नहीं हैं। जी हाँ, दिसंबर 2nd वीक के बाद ही अब आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों के रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड। CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की जो रिक्रूटमेंट है, जिसके लिए अभी 3 लाख प्लस कैंडिडेट बचे हैं रिटर्न एग्जाम देने के लिए। आपके रिटर्न एग्जाम कब होंगे, नहीं होंगे, आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है,
तो आप लोग के दिसंबर सेकंड वीक के बाद ही आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वेट करना होगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि पल पल के इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड कर सकूं। डेट फिक्स नहीं है, इस वजह से डेट नहीं बताई जा सकती, सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज ही आप लोग को बताई जा सकती है। तो जानकारी अभी विभाग से यही मिल रही है कि दिसंबर सेकंड वीक के बाद ही आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वेट कीजिए, तैयारी आप लोग करते रहिए। जी हाँ, कैंडिडेट आप लोग को पता होने चाहिए, पहले के मुकाबले यहाँ पे कैंडिडेट कम हो चुके हैं, 3 लाख प्लस कैंडिडेट ही आप लोग के पास हैं यहाँ पे रिटर्न एग्जाम को देने के लिए। क्या सभी कैंडिडेट यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देंगे? जी नहीं, सभी कैंडिडेट यहाँ पे रिटर्न एग्जाम नहीं देंगे। परसेंटेज काफी कम रहने वाली है, एग्जाम डिले हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग पूरा पूरा फोकस अपने रिटर्न एग्जाम पे कीजिए, इसका बेनिफिट आप लोग को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जी कम बच्चे आप लोग के देखने को मिलेंगे जो कि 2019 की रिक्रूटमेंट में रिटर्न एग्जाम यहाँ पे देंगे। काफी बच्चे, जी हाँ, काफी बच्चे स्टेट की जो आप लोग की वैकेंसियां होती हैं उसमें जा चुके हैं, और इसके अलावा एसएससी जीडी से रिलेटेड और भी जो आप लोग की पैरामिलिट्री की जो वैकेंसियां होती है सीएपीएफ के अंतर्गत, तो डिपार्टमेंट्स में कई वैकेंसियां निकली और बहुत से बच्चे उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये मान के चलिए कंपटीशन वैसा नहीं रहने वाला जैसा कि आप लोगों को पहले देखने को मिलता। तो तैयारी आप लोग जोरों से कीजिए, ये क्लियर है आप लोग का रिटर्न एग्जाम होना है जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन दिसंबर सेकंड वीक के बाद ही अब आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि फाइनली क्या डिसीजन लिया गया है एग्जाम डेट को लेकर के। और इसके अलावा यदि आप लोग ने 2022 की रिक्रूटमेंट के लिए भी अप्लाई किया है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो 2022 की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट आई है, तो आप लोग के पास दो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे दो मौके आप लोग को मिल रहे हैं। लेकिन इन दो मौकों में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग की 2019 का ही रिक्रूटमेंट रहने वाली। जी हाँ, यदि 2019 के एग्जाम अलग होते हैं तो उसमें आप लोग के चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज्यादा होने वाले हैं। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, 2022 की रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा कंपटीशन आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन यदि किसी कारणवश 2019 की रिक्रूटमेंट में नहीं हो पाते तो एक चांस आप लोग की 2022 की सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो की रिक्रूटमेंट में आप लोग को मिलेगा। तो इतने अच्छे अच्छे चांस आप लोग को मिल रहे हैं, मौके का फायदा आप लोग को उठाना है, एग्जाम आप लोग के होने हैं तभी आप लोगों के फिजिकल लिए गए, इस चीज को आप लोग नोट करके रखिए। यदि ऐसा नहीं होता तो आप लोग के फिजिकल नहीं लिए जाते, कुछ डिले हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सब कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, सब कुछ सॉल्व होगा और आप लोग का एग्जाम होके रहेगा। इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सी आई सर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के बारे में बताइए, तो मैंने आप लोग को जानकारी दे दी जो जानकारी अभी तक मेरे पास है। आने वाले समय में यदि कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोग के साथ इसी प्रकार से साझा करता रहूंगा। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए लाता रहूं। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर से रिलेटेड फिजिकल और इसके अलावा रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड जानकारी के लिए आप लोग भर्ती देखो पर जा सकते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ओके, बाय, थैंक यू।